बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज है दिन जुमे का और इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, बारिश काफ़ी दिन से लगातार होती जा रही है लेकिन आज थोड़ी इस वक्त रुकी हुई है। तो अभी हम चलने वाले हैं जी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ दावत इस्लामी के मरकज़ में और एक बहुत बड़ी गैदरिंग जुमे की नमाज़ के अलावा भी आपको ऑलमोस्ट हर नमाज में नमाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक बाकायदा एक मरकज़ है दावत इस्लामी की तरफ से, जो दीन की इशात के लिए यहाँ पे गामजन है और यहाँ बाकायदा बच्चों को भी तालीमात दी जाती हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि बच्चों के लिए नर्सरी का भी एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा ख्वातीन के लिए भी यहाँ पर इस्लामी तालीमात का इंतज़ाम किया जाता है। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये है मैयत ले जाने वाली गाड़ी और अंदर अभी लोग जो हैं वो सुनते वगैरह अदा कर रहे हैं। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة तो इस वक्त नमाज जुमा ख़त्म हो चुकी है और मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के इस वक्त बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है ये प्रॉपर कैथोलिक स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और इसके अलावा आप इसी के सामने देखें तो ये दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ बच्चे इस्लामी तालीमात भी हासिल करते हैं। यहाँ पे मस्जिद हैं इस शहर के अंदर और आप जिस मस्जिद में भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो इस वक्त हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये यहाँ के फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसकी स्पेशलाइजेशन स्पेशली फूड में, और ये सामने B&M है जो कि आपको हर तरह की चीज़ें यहाँ से आपको अवेलेबल होंगी। और वेदर टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पर किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है और किसी भी वक्त धूप भी निकल सकती है। तो अगर आप UK विज़िट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मई से लेके सितंबर तक किसी भी वक्त आप विज़िट करें, तो उस वक्त आपको आइडिया होगा वेदर का और काफ़ी अच्छा मौसम होता है उस वक्त। लेकिन अगर आप दिसंबर और जनवरी में आ भी गए हैं यहाँ पर तो आप मोस्टली टाइम जो है वो अकोमोडेशन पे ही गुजरेगा, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर बारिश भी हो सकती है और सर्दी वगैरह भी बहुत होती है इस मौसम में। लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ मेडिसिन वगैरह भी ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर धूप ना निकलने की वजह से आपको विटामिन D की भी कमी हो सकती है। तो इसके लिए आप विटामिन D और
और इसके अलावा आप पैरासीटामोल टाइप और इस टाइप की मेडिसिन साथ रखें, और मक्सल वगैरह भी साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। जनाब आप देख सकते हैं कि ये मतलब कंटिन्यूसली बारिश होने के बावजूद भी कितना साफ सुथरा रास्ता है ये। वेदर आज ही ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ये वेदर रोज़ ही ऐसा होता है। और दिसंबर और जनवरी में तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि मोस्टली मौसम ऐसा ही होता है, तो इसलिए अपने आप को कवर करके आएँ। जब भी आएँ थोड़े दिन के लिए आएँ, अपने साथ अपनी मेडिसिन लाजमी रखें। और जो फैमिली विज़िट पे आ रहे हैं तो वो भी अपना प्रॉपर इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि जो विज़िटर आते हैं मोस्टली वो यहाँ पे NHS में रजिस्टर्ड नहीं होते, और जिसकी वजह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये यहाँ का टचस्टोन म्यूज़ियम है, और फ्री एंट्री है यहाँ की, आप अंदर जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे जल्दी, तो अभी फ़िलहाल आपको फ्री एडमिशन है यहाँ पे, कोई फीस वगैरह नहीं है। आप चले गए 5 बजे तक, और डे से सैटरडे आप यहाँ पे आ सकते हैं, और संडे वाले दिन भी ये ओपन होता है मोस्टली, और 10 से लेके 4 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। बारिश रुक चुकी है और लोग जो हैं वो निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि यहाँ पे ना हम लोग कम ही अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ये एक आपको नज़र आ रही है, लेकिन मोस्टली जो है ना लोग वो अम्ब्रेला वगैरह नहीं यूज़ करते, लेकिन लॉन्ग कोट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ये देखें, इन भाई साहब ने पकड़ी है लेकिन ओपन नहीं की हुई। बादल भी कैसे मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त माउंटेन्स वगैरह भी आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। और ये है जी बारिश के बाद का मंज़र, आपको हर चीज़ जो है वो फ्रेश फ्रेश नज़र आ रही होगी यहाँ पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।